दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस न्यू लेसन में। और दोस्तों, आप सभी लोगों को एयरफोर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है जो मैं लेके आया हूं, और इसमें हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री क्या है हम ये देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट अभी करेंटली IAF हमारी यूज़ कर रही है, और भी सब बातें हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स इज़ द फोर्थ अमंग ऑल द एयरफोर्सेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी वायुसेना है उसमें हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो फोर्थ नंबर पर है, राइट। अब ये बनी कैसे, देखिए ये बात है 1932 की। 1932 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये बनाई, इसको बनाया गया, मतलब उसके आसपास से लगा कि वर्ल्ड वॉर टू होने वाला है, तो ब्रिटेन ने इसको बनाया। उस वक्त हमारा देश गुलाम था, तो इसको बनाया गया 8 अक्टूबर, इस्टेब्लिश किया गया 8 अक्टूबर 1932 में। उस वक्त इसको कहा जाता था रॉयल एयरफोर्स। उसके बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली, एंड 1950 में देश हमारा रिपब्लिक हुआ। जैसे हमारा देश रिपब्लिक होता है तब इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स, राइट। और इसका जो मोटो है वो हमारा टच द स्काई विद ग्लोरी। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के अचीवमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो इंडिया ने जो पाकिस्तान से तीनों वॉर लड़े हैं, तीनों वॉर में एयरफोर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाहे वो 1947 का वॉर हो, 1962 चाइना का वॉर हो, 1965 में जो लोंगे वाला पोस्ट पर वॉर हुआ था, आपने देखा होगा, बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है काफ़ी अच्छे से, उसमें भी इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। इसी के साथ जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1972 में, उसमें भी एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे है ऑपरेशन विजय, मेघदूत जो 1984 में हुआ था इन सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस इन मालदीव्स, राइट। इसके अलावा दोस्तों, जो 1965 में जो आपने बॉर्डर मूवी में देखा था, उस वक्त इंडियन एयरफोर्स ने थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट यूज़ किए थे, और आज हमारी एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। तो यानी कि टेक्नोलॉजी अब बढ़ चुकी है, हमारी एयरफोर्स की पावर भी बढ़ चुकी है, ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, बता देना चाहिए पूरी दुनिया को हमें, राइट। अब दोस्तों, जरा बात करते हैं एयरक्राफ्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हमारी एयरफोर्स के पास हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है फाइटर एयरक्राफ्ट, दूसरा है हेलीकॉप्टर्स, तीसरा है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। एक एक करके हम जरा इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स, यानी कि लड़ाकू विमान। इसमें सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो है अभी हमारे एयरफोर्स के साथ पास, वो है Su-30 MKI। इसे लिया गया है रसिया से, और ये काफ़ी मॉडर्न है, 4.5 जनरेशन का है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है मिराज 2000। दोस्तों बता दूं, ये वही एयरक्राफ्ट है जो बालाकोट स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स ने यूज़ किया था। पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसका बदला लिया गया था इंडिया के द्वारा, तो उसमें ये यूज़ किया गया था मिराज 2000। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर एयरक्राफ्ट है ये। अगला है दोस्तों MiG-29। ये शिप पे यूज़ होता है, शिप से टेक ऑफ करता है नॉर्मली, तो MiG-29 भी है, आप इससे पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों MiG-27। MiG-27 भी अभी करेंटली इंडियन एयरफोर्स को यूज़ कर रही है, काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है ये भी। अगला आता है दोस्तों MiG-21 Bison। जो MiG-21 Bison है, ये थोड़ा सा, मतलब आजकल अभी रिसेंटली में काफ़ी इससे क्रैश हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स इसको रिटायर करने के लिए सोच रही है, और एक दो साल में आई थिंक रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है जैगुआर। जैगुआर भी यूज़ किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों, हमने खुद बनाया है ये लड़ाकू विमान, नाम है इसका तेजस। ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, और HAL के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला दोस्तों आता है जिसका काफ़ी पॉलिटिकल एजेंडा जिसके लिए हुआ और काफ़ी आपने देखा होगा बवाल हुआ इंडिया में इसको लेके, राफेल का घोटाला हो गया है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, इंडिया परचेस कर रहा है फ्रांस से, फ्रांस की कंपनी है डसॉल जो कंपनी है, वहाँ से ये परचेस किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, बहुत जल्दी इंडिया को मिलने वाला है, 4.5 जनरेशन का है। और दोस्तों, इंडिया के पास अब तक 5th जनरेशन का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडिया के पास एटमैक्स जो सुकोई है वो 4.5 जनरेशन का है, और ये जो राफेल आ रहा है ये भी 4.5 जनरेशन का है। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सन 2032 तक, यानी कि 2032 तक इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना लेगा, राइट। तो यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं राफेल की। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की, कौन कौन से हेलीकॉप्टर की पावर देखते हैं।
तो हेलीकॉप्टर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर जो कॉम्बैट करते हैं, डायरेक्ट लड़ाई करते हैं, लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। एक एक करके हम लोग देखते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के पास कौन कौन से हैं और ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। जैसे MI-35 आप देख सकते हैं, रसिया की सीरीज है, जो MI की सीरीज है, इसमें ए लिखा है यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर है। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है दोस्तों। अगला है MI-35A, ये भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ए मतलब अटैक, तो हेलीकॉप्टर का नाम है MI-35। पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज MI-35। अगला है दोस्तों MI-17, ये जो हेलीकॉप्टर है आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का, ये भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है। अगला हेलीकॉप्टर दोस्तों आता है हमारा चेतक। चेतक जो हेलीकॉप्टर है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इससे अटैक नहीं किया जा सकता, इसके अटैकिंग कैपेसिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट के काम आता है ये। नेक्स्ट है दोस्तों चीता हेलीकॉप्टर। चीता भी एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इसको इंडियन आर्मी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है एयरफोर्स के साथ ही साथ। अगला है चिनूक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चिनूक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है इंडिया ने रिसेंटली यूएसए से परचेस किया है, और ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके द्वारा यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था। तो यही हेलीकॉप्टर यूज किया गया था, काफी स्ट्रांग ड्यूरेबल हेलीकॉप्टर है, काफी भारी चीजों को ये अपने संग ले जा सकता है उड़ाकर। अगला दोस्तों आता है एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर विच इज अपाचे, ये भी इंडिया ने यूएसए से परचेस किया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसी के साथ एयरफोर्स की पावर काफी स्ट्रांग हो गई है। अगला दोस्तों हमने खुद बनाया है हेलीकॉप्टर, HAL ने बनाया है, हमारी बेंगलोर बेस्ड PSU जो है वो है ध्रुव। ध्रुव भी एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है दोस्तों रुद्रा। रुद्रा एक अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, अगेन इसको भी इंडिया ने खुद बनाया है। अब दोस्तों आते हैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की बात। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये अटैकिंग रोल में नहीं होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, सैनिकों को एक जगह दूसरे के पहुंचाने के लिए काम आते हैं। तो पहला है हमारा जो एयरफोर्स यूज करती है वो है C-130J, पिक्चर में आप देख सकते हैं। अगला आता है C-17 दोस्तों, ये आप काफ़ी अच्छा है, C-17 ग्लोब मास्टर इसे कहते हैं हम लोग, क्लियर। नेक्स्ट है IL-76, इसका जो पर्पस वो ये है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूल भी रिफ्यूल कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ले जा सकता है अपने साथ। नेक्स्ट है AN-32, ये भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स यूज़ कर रही है। अगला है एम्ब्रियर, एम्ब्रियर भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स हमारी यूज़ करती है। तो ये दोस्तों ये हुई कोई बात हुई हमारी हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन एयरफोर्स के बाद फिफ्थ जनरेशन का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। तो एक्चुअल में ऐसा क्या है फिफ्थ जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में एक्चुअली हमारे पास है रडार स्टील टेक्नोलॉजी। इसमें देखो दोस्तों क्या होता है, आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर हमारी लगी हुई है रडार, तो ये जो हमारी रडार है यहाँ से जाती है जो लाइट यहाँ से जाती है रेज, अगर ये रेज लौट के ना आए तो एयरक्राफ्ट पता नहीं चल पाएगा कि है या नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी में यही होता है, जो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी होती है, और इस टेक्नोलॉजी के अंडर क्या रहता है कि ये जो रेज लौट के आ रही है इनको रोक लिया जाता है, राइट। तो दोस्तों ये हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स के बारे में। आपको कैसा लगा लेसन? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे स्पेशल वीडियोज़ में और भी लेके आता रहूँगा। और किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।